नमस्ते, आई एम सरोज पटेल, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट। आज मैं जिस बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेरा मकसद किसी की भी भावनाओं को हर्ट करने का नहीं है। मैं अपना कुछ पक्ष है वो आपके सामने रखना चाहती हूँ, और काफ़ी समय से मैं ये सोच भी रही थी, फाइनली आज मौका मिला। सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताएं कि हम कह रहे हैं कि हम आज के बाद जो हमारे घर में सामान आ चुका है वो हम उसके अलावा हम कोई और सामान नहीं खरीदेंगे चाइनीज़, पर अब जो हमारे देश में सामान आ चुका है उसका क्या, वो कौन खरीदेगा? जिस तरीके से हमारे घर में आया हुआ सामान हम नहीं फेंक सकते, उसी तरीके से हमारे देश में आया हुआ सामान वो अब हमारे देश का है। अब वो कहीं का भी हो, चाहे कहीं से भी आयात किया हो, चाहे वो जापनीज हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो कहीं का भी हो, अब वो हमारे देश का है और अब वो हमारे व्यापारियों का है। अगर हम चाइनीज चीज़ों का बायकॉट आज करते हैं तो हम अपने ही देश के व्यापारियों के साथ में गलत करेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने लोगों को देखना है, अपने व्यापारियों को देखना है। कितने करोड़ों रुपए लगा के इंसान ने अपना बिजनेस खड़ा किया होगा, अब वो चाइनीज ही सही, अब वो आयात हो चुका है तो कम से कम उसको तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा उन लोगों का? आप ही मुझे एक चीज़ बताएं कि उन लोगों के साथ में क्या होगा? उन लोगों का नुकसान नहीं होगा? हम बहुत सारे सपनों के साथ में, कोई भी व्यापार हो, हम सपनों के साथ में शुरू करते हैं, उसको एस्टैब्लिश करते हैं, उसमें जी जान लगा देते हैं, और अगर हम अभी ये बात करते हैं कि हमें चीज़ें नहीं खरीदूंगा, उन व्यापारियों पर क्या बीतेगी? समय लगेगा चीज़ों को। मैं खुद चाहती हूँ कि चाइनीज चीज़ों का इतनी जल्दी बायकॉट होना चाहिए, हमारे देश में इतना अच्छा निर्माण होना चाहिए, इतनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, तो चीज़ें भी थोड़े सस्ते दाम में बिकनी चाहिए ताकि हर इंसान उसको अफोर्ड कर सके और हमारे ही देश के लोगों को व्यापार मिल सके, हमारे ही देश के लोगों को रोज़गार मिल सके। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ों को करने में, बनने में समय लगता है, इतना इजी नहीं होता है। हर चीज़ को हमने कह दिया कि हम बायकॉट कर रहे हैं, क्या इतना आसान है? मैं कुछ समय पहले, मैं एक शॉप पर गई थी। मैं बहुत पुरानी कस्टमर हूँ, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हेयर बैंड्स, तो मैं वही लेने के लिए गई थी। और भैया ने मुझे एक चीज़ बोली कि दीदी, ऑलरेडी हमारा जो बिजनेस था ऑनलाइन की वजह से ऑक्सीजन पर था, और कोरोना की वजह से हमारा जो बिजनेस है वो वेंटिलेटर पर आ गया। आप सोचिए कि क्या मानसिकता है अभी व्यापारियों की, वो कैसे चलाएंगे अपना घर? आप मुझे एक चीज बताएं, कैसे चलाएगा इंसान? सोचने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग यूज करने वाली बात है। जो सामान आ गया अब वो दुकानदार फेंकने से तो रहा, वो कैसे चलाएगा अपना घर, कैसे चलाएगा? एक समय आता है जब हम पूरा बिजनेस, हम सब कुछ एस्टैब्लिश करते हैं और अब लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें चलती रहेगी, व्यापार भी है चलता रहेगा, दुकान सेट हो गई है, अब मैं सेट हो गया, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी अगर हम ये चीज़ बोलेंगे, उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों के सपने, उन लोगों का मोरल कितना डाउन हो जाएगा, वो कितनी ज़्यादा टेंशन में होंगे। अगर हम सभी अभी बात करें बायकॉट चाइनीज बायकॉट, हमने कभी सोचा है कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने ये सामान खरीदा है? उन लोगों के साथ में गलत नहीं होगा। हम बात करते हैं, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। भारत किससे बना हुआ है? एक एक इंसान से भारत बना हुआ है। तो अगर हमने भारत के लोगों को ही अगर प्यार नहीं किया और अगर हमने भारत के लोगों को ही सपोर्ट नहीं किया तो ये देश प्रेम तो नहीं है। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन ये सच है। हम बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम देश में रह करके एक दूसरे का सपोर्ट करके देश प्रेम दिखा सकते हैं। और एक और चीज़ कि हमने जो अभी विरोध कर रहे हैं हम लोग, हमें इसको सोशल मीडिया पे ना जाहिर करके हमें एक मौन हमें करना है, एक प्रण लेना है कि वाकई में हम चाइनीज चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन तब तक कि आयात बंद नहीं होगा। आयात बंद होना ज़रूरी है, हमारे देश में ही निर्माण होना ज़रूरी है, क्वालिटी अच्छी बननी चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। अगर ये सब हुआ ना तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा और हम सब भी बहुत आगे जाएंगे। एक दूसरे का सपोर्ट करें और ये जो प्रोटेस्ट है इसको सोशल मीडिया पर डालें, पर कम से कम इसको अच्छे तरीके से विरोध करें। 10 दिन का इसको बूम नहीं होना चाहिए कि 10 दिन का है, 10 दिन तक इसका विरोध चल रहा है, बस हो गया, उसके बाद सब टाइम टाइम फ्रेश हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा होना चाहिए कि हम वाकई में चीज़ें इसको सालों साल चलाएं इसको, और इसका अंदर मन के अंदर हम खुन्नस रखें कि नहीं, हमारे देश के साथ में चाइना ने बहुत गलत किया है और इसके साथ में हमें इसको मजा चखाना है। तो हमारे मन के अंदर हमें प्रण लेना होगा
और यही चीजें हमें आगे लेकर जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।